हेलो भाई, मैं हूँ विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार की। और ये भाई लेटेस्ट मॉडल है जो अभी आ रहा है वैगनार में, और बेस मॉडल है भाई LXi। और ये इंडिया की मोस्ट बजट फ्रेंडली कार है हैचबैक सेगमेंट में। LXi मॉडल है, पेट्रोल में आती है। पेट्रोल में दो इंजन ऑप्शन है इसके, एक तो 1000 cc और एक 1200 cc जो बलैनो स्विफ्ट में देती है मारुति। और CNG का भी ऑप्शन आता है इसमें, कंपनी फिटेड CNG भी देती है। और ये वाला 1 लीटर वाले वेरिएंट है, 1 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो। अभी मैं दिखाता हूँ इसका इंजन, तो ये है इसका 1 लीटर पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है ये। और ये प्रोड्यूस करता है 68 bhp और 90 Nm का टॉर्क। और भाई देखे ना इस गाड़ी को और इस इंजन को, तो काफ़ी बढ़िया भगती है गाड़ी। पिकअप बढ़िया है इसका बहुत। और फ्रंट लुक में बेस मॉडल में कुछ इतना खास है नहीं इसमें, मतलब वही सिंपल सी है, सिंपल हेडलाइट्स हैलोजन वाली। और ये ग्रिल है इसकी क्रोम, और ये इसकी लाइट्स। नीचे फोग लैम्प्स नहीं मिलते, टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। आगे और कुछ है नहीं खास, टॉप मॉडल में भी कुछ प्रोजेक्टर वगैरह इसमें नहीं मिलते। साइड लुक्स वही बॉक्सी टाइप जो पहले से इसका डिज़ाइन चलता आ रहा है वही है, सिंपल। टायर साइज की बात करें तो इसमें मिल जाते हैं 155/80R15 का स्टील व्हील मिल जाते हैं इसमें, टॉप मॉडल में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और ये व्हील कवर बाहर से लगवा रखे, आफ्टर मार्केट इसमें नहीं आते, सिर्फ स्टील व्हील ही आते सिंपल। ये फ्यूल लीड है यहाँ पे, और ये इसको कुछ ब्लैक फिनिश ही दे रखे हैं यहाँ पे। ये वाला पिलर और वो भी कर देते ना ब्लैक तो बढ़िया लगती, फ्लोटिंग रूफ से डिज़ाइन लगता है इसमें बढ़िया। और ये इस बार बड़ी लाइट दे दी, बढ़िया लग रही पीछे से, बेस मॉडल से ही देने लग गए। पार्किंग सेंसर्स तो मैंडेटरी कर रखा है ना गवर्नमेंट ने, इसलिए ये पीछे क्रोम से वैगनार लिख रखा है। और यहाँ पे सुजुकी का लोगो, पीछे डीफोगर और वाइपर नहीं मिलते इसमें, टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। अंदर चलते हैं, वही डुअल टोन में डैशबोर्ड मिल जाते हैं इसमें, और ऐसी की मिलती है बेस मॉडल में। टॉप मॉडल में वो बटन वाली जो सेंटर लॉकिंग वाली भी मिल जाती की, और डोर पूरे ब्लैक मिल जाते हैं यहाँ पे। बेस मॉडल से ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड पावर विंडोज मिल जाती हैं, टॉप मॉडल में पीछे वाले विंडो मिल जाती है, VXS से स्टार्ट हो जाती है, ऑल फोर विंडोज पावर, और ऐसा स्टेयरिंग व्हील है। वही ऐसा है डैशबोर्ड इसका, काफ़ी मतलब लेंथ देखो डैशबोर्ड की काफ़ी बढ़िया है, मतलब बढ़िया फील आती है इसमें बैठ के। एयर स्पेशियस ही है थोड़ी गाड़ी, बढ़िया। यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाता है, ये इंफोटेनमेंट भी बाहर से लगवा रखे नहीं आता इसमें, कंपनी फिटेड कुछ भी, खाली स्पेस आता है। एयर बैग है दो, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड, और ऐसा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बीच में छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है इसमें, बस फ्यूल और किलोमीटर शो करता है। और ये मैं ऑन करके दिखाता हूँ वापस, ये देखो कुछ लाइट्स है, और ये बस स्पीडोमीटर। यहाँ पे मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल, इस साइड है लाइट के कंट्रोल, और ऐसा स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, सिंपल ही है। और तो इसके बड़े वाले मॉडल में यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे फोन कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऐसा इसका गियर नॉब, यहाँ पे कुछ ब्लैक फिनिश है, पर इसे बड़े वाले में पियानो फिनिश में आते हैं लिखे, जैसे बलैनो में और इसमें देते हैं सब। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, और ये 12V का पोर्ट, ग्लव बॉक्स में इतना ही स्पेस है, ज़्यादा नहीं है। इसकी बात करें तो वैनिटी मिरर नहीं मिलता इसमें, लाइट्स और ऐसा और भी मिलता है, तो मैनुअल वाला वो भी नहीं है जो मिलता है ना यहाँ पे मैनुअली, और ये यहाँ पे नहीं मिलता। स्पेस की बात करें तो सही स्पेस है इसमें काफ़ी, और ये सीट्स कवर लगवा रखे बाहर से इसमें, ऐसे बेज कलर की सीट्स आती हैं, वैसे तो इसमें पूरा ब्लैक इंटीरियर करवा रखा है,
ये मैट्स, नीचे मैटिंग भी करवा रखी है आफ्टर मार्केट। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, एक कुछ स्पेस, आर्मरेस्ट नहीं मिलता इसमें, स्पीकर्स भी नहीं मिलते इसमें, बाहर से लगवा रखे स्पीकर्स भी। रियर डोर भी पूरा ब्लैक मिलता है और ये मैनुअली विंडो का वो मिलता है कंट्रोल, ऐसे कुछ रियर सीट्स। रियर स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, ये देखो काफ़ी स्पेस है गाड़ी में। हेडरूम भी बढ़िया है इसमें पूरा। और पीछे पार्सल ट्रे नहीं मिलती इसमें, आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे लगवा रखी है। सीट बेल्ट मिल जाती पीछे, ये रही। बूट स्पेस देखे तो इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। ये भाई पीछे से लोग इसका, और काफी सही गाड़ी है, बजट फ्रेंडली। IRVM सिंपल ही मिल जाते हैं पहले अच्छे से, ऑल्टो वगैरह में। इससे बड़े वाले मॉडल में वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले IRVM मिल जाते हैं। ये भी आफ्टर मार्केट है सब कुछ, ये भी आफ्टर मार्केट है। इसमें आफ्टर मार्केट ये सीट कवर्स लगवाए थे, इसकी कॉस्टिंग थी 4,500 रुपये कॉस्टिंग। और स्टेयरिंग कवर भी आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, स्टेयरिंग कवर नहीं आता इस पर। ये चला कर दिखाते हैं इतनी स्मूथ की। एक मिनट, क्लच काफ़ी लाइट है इसकी और 1 लीटर इंजन है तो काफ़ी बढ़िया है। इस इंजन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चलती गाड़ी, मतलब दब जो लैग फील होता है इसमें लैग नहीं है इस गाड़ी में। चला दिखाता हूँ एक मिनट, देखो बोनट तो थोड़ा थोड़ा विजिबल है, ज़्यादा नहीं है। डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है इसका, यू लंबा। और गियर शिफ्टिंग वही जैसे सुजुकी की होती है, बिल्कुल स्मूथ वैसी गियर शिफ्टिंग है। देखो एक मिनट, पूरी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, बढ़िया। स्टीयरिंग होल्ड करने में भी काफ़ी बढ़िया है, ये इस पर स्टेयरिंग कवर चढ़वा रखे तो और भी बढ़िया फीलिंग आ रही है इसमें। और रिस्पॉन्स भी बढ़िया इंजन का, मतलब एक्सेलरेट करते रिस्पॉन्स करता है, लैग वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई एरी फीलिंग देखो, विजिबिलिटी भी बढ़िया है। यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते तो बढ़िया रहता। और वैसे स्पेस के मामले में काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।